हेलो गाइज, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। सो गाइज, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक न्यू एडिट वीडियो के साथ। सो गाइज, सबसे पहले मेरे तरफ से आप लोगों को सभी को होली का बहुत सारा शुभकामना। सो गाइज, मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो एडिटिंग करूँगा क्योंकि मैं होली का दूसरा फ़ोटो एडिटिंग करूँगा। सो गाइज, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज, होली का गिफ्ट चांस के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सो गाइज, मैं जो भी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड PNG वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है? ड्राइविंग लिंक मिलेगा, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं इंट्रो के साथ। सो गाइज, देख सकते हो मैं इस बैकग्राउंड को ऊपर करने वाला हूँ एडिटिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको पिक्सआर्ट के अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। सो गाइज, देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट के अंदर आ गया हूँ। अब क्या करूँगा, जाऊँगा ऐड फुट के अंदर और जो हमारा मॉडल है उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो मॉडल को ऐड कर लिया हूँ, कुछ इस तरीके से बड़ा कर लूँगा। और बड़ा करने के बाद लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो राइट क्लिक डन का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ये हो जाएगा डन। तो फिर से जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर और जो हमारा PNG है होली का वो ऐड करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा और ये देख सकते हो होली का जो PNG है यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज, इस तरीके से ऐड करने के बाद क्या करूँगा, जाऊँगा थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और बड़ा करने के बाद जाऊँगा इरेज़ टूल के अंदर और इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, कुछ इस तरीके से हार्डनेस को कम कर दूँगा, ओपेसिटी कम कर दूँगा और कुछ इस तरीके से जूम करके नीचे से इरेज कर दूँगा, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पर भी इरेज कर देता हूँ। सो गाइज, देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। सो इसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, इसको डन कर दूँगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो गया। अब क्या करूँगा, फिर से ऐड फोटो के अंदर जाऊँगा और दूसरा PNG है उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? फिर कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके इसको यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो गया। अब इसका ब्लेंड मोड चेंज करके कर दूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है? सो गाइज, अब इसको डन कर लेता हूँ और डन करने के बाद फिर से जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर और जो हमारा नेक्स्ट PNG है उसको ऐड कर लूँगा कुछ इस तरीके से और इसको कुछ इस तरीके से फेस के ऊपर लगा दूंगा और इसका ब्लेंड मोड कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है? अब क्या करूंगा, इसको भी कर लूंगा डन और डन करने के बाद फिर से जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर और दूसरा PNG ऐड कर लूंगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके पैरों के नीचे ला के इसका ब्लेंड मोड कर दूंगा डार्किंग, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो डार्किंग कर लिया हूँ। अब इसको कर दूंगा डन और डन करने के बाद फिर से जाऊंगा ऐड फोटो के अंदर और ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट PNG है उसको ले लूँगा यहाँ पर, ये PNG कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके थोड़ा सा और बड़ा करके इसका ब्लेंड मोड कर दूंगा स्क्रीन, ठीक है? सो गाइस, देख सकते हो एकदम देखने के लिए परफेक्ट लग रहा है, ठीक है? सो गाइस, अब इसको कर देता हूँ डन और डन करने के बाद जो हमारा लास्ट PNG है उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? लास्ट टेक्स्ट PNG हैप्पी होली का वो ऐड कर लूँगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो यहाँ पर ये रहा हैप्पी होली का PNG, कुछ इस तरीके से बड़ा करके नीचे ला के यहाँ पर कर दूँगा डन, ठीक है? सो गाइज, अब क्या करूँगा, जो फेस के ऊपर जो कलर लाया था उसको लाने के लिए जाऊँगा ड्रॉ टूल के अंदर और ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद जाऊँगा इसका कलर में और इसको रेड कलर कर लूँगा और इसको डन कर दूँगा और पेन वाला आइकॉन पर जाऊँगा, ये ब्रश चूज कर लूँगा और इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, साइज छोटा कर लूँगा और इसको कर दूँगा डन। फोटो को कुछ इस तरीके से जूम करके कुछ इस तरीके से पेंट कर दूँगा, ठीक है? सो गाइज, देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है देखने के लिए। सो गाइज, कुछ इस तरीके से इसको पेंट करने के बाद जाऊँगा कलर एडजस्टमेंट में और दूसरा कलर चेंज कर लूँगा और कुछ इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? सो गाइज, अब क्या करूंगा, जाऊंगा दूसरा कलर में और एक कलर ले लूंगा और लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसका नीचे पेंट कर दूंगा, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पर
हाईलाइट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका अमाउंट थोड़ा सा कम करने के लिए जाऊँगा ऊपर लेयर वाला ऑप्शन में, और इसको नीचे देख सकते हो अमाउंट थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है, ऊपर से ठीक है। अब कर लेता है उसका डन, ठीक है। सो गाइज देख सकते हो देखने के लिए कितना अमेजिंग लग रहा है। तो सो गाइज फोटो को सेव करने के लिए जाऊंगा ड्रॉ टूल के अंदर, और लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो 3 डॉट, और यहाँ पर देख सकते हो सेव टू इमेज। सो गाइज फोटो को थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए जाऊंगा लाइट रूम के अंदर, तो चलिए चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइज देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ। अब फोटो कर लूँगा ओपन और जाऊँगा लाइट वाला ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद एक्सपोजर को कुछ नहीं करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, और यहाँ पर शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, और यहाँ पर ब्लैक को थोड़ा सा कम कर दूंगा। जाऊंगा यहाँ पर थर्मामीटर वाला ऑप्शन पे और सीधा मिक्स टूल के अंदर, ठीक है, और रेड कलर का ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। चला जाऊंगा ऑरेंज कलर के अंदर, और ऑरेंज कलर के अंदर आने के बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है, और बढ़ाने के बाद आ जाऊँगा येलो कलर के अंदर, ठीक है, और येलो कलर के अंदर आने के बाद ह्यू को बढ़ाऊंगा और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको कर दूंगा डन, और डन करने के बाद सीधा जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद विंटेज को थोड़ा सा डाल दूंगा कम कर दूंगा, और यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाऊँगा ए वाला टूल पर और शार्पनिंग को थोड़ा सा डाल दूंगा, नॉलेज रिएक्शन को भी थोड़ा सा डाल दूंगा, और यहाँ पर कलर नॉलेज रिएक्शन को भी थोड़ा सा डाल दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो बिफोर वाला, और यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर वाला, ठीक है, देखने के लिए कितना अमेजिंग लग रहा है। अब फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हो सेव टू डिवाइस क्लिक कर दूंगा और फोटो हो जाएगा सेव। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।